मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के भांडुप सोनापुर में कल प्रकाश अंबेडकर ने CAA NRC NPR का विरोध किया। भांडुप सोनापुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रकाश अंबेडकर और हजरत मोइन मियां भी शामिल हुए। इस कानून का देश भर में विरोध हो रहा है, मगर वंचित बहुजन के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, ये कानून देश के लिए खतरनाक है और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। साथ ही राज ठाकरे द्वारा CAA के सपोर्ट में रैली को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और RSS और BJP पर भी जमकर निशाना साधा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि RSS BJP चाहती है कि देश का माहौल खराब हो और ये अपनी राजनीति रोटियां सेके। सुनिए क्या कहा है वंचित बहुजन के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने। राज ठाकरे ने जो 9 फरवरी को समर्थन में NRC वगैरह के समर्थन में रैली निकालने की बात की, आप विरोध कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग विरोध नहीं करेंगे जी। देखिए, ऐसा है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप जैसे पहले NRC के साथ होना चाहिए करके जुलूस निकले, अब जुलूस बंद हो गए। जैसे लोगों को पता चला कि ये NRC जो है ये इंसानियत के खिलाफ की NRC है, तो लोग अपने आप इनसे हट जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि राज ठाकरे की MNS घोषित किया है कि हम लोग ये करेंगे, वो एक उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है, लेकिन अपनी TPR बढ़ाने का भी ये कार्यक्रम, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर, जिस तरह से आज सुबह RSS की एक लेडी पकड़ी गई है शाहीन बाग में, वो कह रही थी कि सब ड्रामा आप लोग क्यों कर रहे हैं, सर RSS को क्या मैसेज देंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं अपने कारकुनों को? देखिए, मैं जैसे कहा कि उनका जो है किसी भी तरह से दंगा हो, वो अपने कार्यकर्ता इसलिए ये कर रहे हैं कि आप उनको मारो पीटो, उनसे बेइज्जती करो, उसको वो फोटो निकाले और फिर समाज को सेंसिटाइज करे हिंदू मुसलमान के माध्यम से, उनका मकसद ही वही है। तो मेरे ख्याल से उस मकसद को हराना ही हम लोगों का मकसद है। जिस तरीके से चर्चा CAA NRC और NPR को लेकर के चल रही है, लेकिन CA तो एक कानून बन गया है, NRP आने की बात हो रही है और NPR का काम आ चुकी है। तो इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा एक्ट आएगा? ये जो पहला एक्ट है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ये सबसे डेंजरस है। बाकी जो है सिर्फ बटन दबाने के लिए है। NRC में से किसको हटाना किसको नहीं हटाना ये NPR से होगा, तय होगा। और जिसका बटन दबा के जिसको हटा दिया है नागरिकता से, उनको पर फिर CAA लागू होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।